प्यारे बच्चों, अब हमने ये आ की मात्रा के शब्द किए। अब कल भी हमने आ की मात्रा के शब्द किए थे, है ना। कल हमने छोटे शब्द लिखे थे जैसे राम, लेकिन हमने आज दो मात्राएं लगाई, राजा। सभी शब्दों में दो मात्राएं है ना आ की। तो बेटा आज फिर हम इन शब्दों से एक छोटी सी क्या बनाएंगे, कहानी। आप सभी को कहानी कल अच्छी लगी थी ना, आज फिर से हम एक कहानी बनाते हैं और इन्हीं शब्दों की, जो शब्द आप लिखेंगे और पढ़ेंगे ना, उन्हीं शब्दों से हम एक छोटी सी कहानी बनाएंगे। ओके, और आशा करती हूँ आपने कल कहानी मम्मा को सुनाई हो गई। पहले मम्मा ने आपको सुनाई होगी, फिर मम्मा को आपने सुनाई, और आज फिर आपको यही करना है, शब्द लिखने हैं, पढ़ने हैं, और फिर इनकी कहानी पहले मैम आपको सुना रही हैं, फिर मम्मा भी सुनाएंगे। टू टू टाइम सुनोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो फिर कभी जब आप स्कूल आओगे ना तो मैम को सुनाना, ओके। तो बेटा ध्यान से सुनना, हमारा सबसे पहला शब्द है राजा, है ना। तो राजा बेटा किसी लड़के का नाम था। एक बार एक लड़का था और उसका क्या नाम था, राजा, ठीक है, राजा, ठीक है। तो दूसरा शब्द है हमारा राधा। राधा भी एक लड़की का नाम था और वो किसकी बहन थी, राजा की, राजा की बहन राधा। ओके, दो भाई बहन थे, राजा राधा। जैसे आप भी भाई बहन हो ना, आपकी भी भाई बहन है, तो वो दोनों बच्चों, वो दोनों ना भाई बहन अपने नाना जी के घर गए। कहाँ गए, नाना, नाना जी के घर, ओके। और वहां उनको कौन मिले, मामा जी, मामा। कौन मिले, मामा। राजा और राधा, राजा और राधा दो भाई बहन थे। भाई का नाम क्या था, राजा। बहन का क्या नाम था, राधा। कहाँ गए वो, नाना के घर, नाना। और वहां पर और कौन था, मामा। जैसे आप रक्षाबंधन पे गए थे ना अपने नाना के घर, और आपकी मामा ने आपके मामा को राखी बांधी थी, है ना। आपकी मामा के भाई आपके मामा लगे ना, मामा। ऐसे ही राजा और राधा दो भाई बहन अपने नाना के घर गए और वहां उनको उनके मामा मिले, ओके। तो बेटा राजा और राधा अपने नाना के घर गए, नाना के वहां उनको कौन मिले, मामा। तो बेटा राजा को नाना ने क्या खरीद के दिलाया, बाजा, बाजा। राजा को नाना ने बाजा दिलाया, वो बहुत खुश हो गया, नाना को उसने थैंक यू बोला, है ना। तो नाना ने क्या दिलाया राजा को, बाजा। तो और राधा को मामा ने क्या दिलाया, माला। ये क्या है, चित्र देखिए, माला। आपकी मैम ने भी माला पहनी है ना, क्या होती है ये, माला। तो राधा, राजा के मामा ने राधा को माला दिलाई, ओके। वो भी बहुत खुश होगी कि मुझे माला मिली, राजा को क्या मिला, बाजा। तो दोनों बहुत खुश हो गए। जैसे आपके नाना मामा भी आपको गिफ्ट देते हैं ना, ऐसे ही राजा राधा के नाना मामा ने भी गिफ्ट दिए, ओके। तो बेटा फिर ना वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद दादा मिले, ठीक है। और राजा ने दादा को क्या दिखाया, अपना बाजा, बाजा दिखाया, ओके। तो बेटा और फिर उनको माता मिली। माता कौन होती है, मम्मी। मम्मी को हिंदी में क्या बोलते हैं, माता, ओके। तो माला ने माता को, राधा ने माता को क्या दिखाई, माला, है ना। राजा ने दादा को बाजा दिखाया और राधा ने माता को माला दिखाई, है ना। तो बहुत खुश हो गए कि हमारे नाना और मामा ने हमें गिफ्ट दिए, है ना। तो वो बहुत खुश हो गए और वो फिर से अगली रक्षाबंधन पर अपने घर जाएंगी, यानी नाना मामा से मिलने, मम्मी माता के साथ। तो बेटा आपको कहानी कैसी लगी, मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़का था राजा, उसका नाम था राजा, और उसकी बहन का क्या नाम था, राधा। वो राजा और राधा कहाँ गए,
नाना के घर, और नाना के साथ उनको कौन मिले? मामा, है ना। और वो दोनों वहां बहुत खुश थे। और राजा के नाना ने राजा को क्या दिलाया? बाजा, है ना। और इन दोनों राजा और राधा के मामा ने राधा को क्या दिलाया? माला, है ना। राजा को बाजा दिलाया और राधा को माला दिलाई। और फिर वो अपने घर आ गए। और घर आने के बाद दादा मिले, दादा से मिले, और दादा को राजा ने क्या दिखाया? अपना बाजा। और माता को क्या दिखाया राधा ने? माला। दोनों ने अपने अपने गिफ्ट दिखाई, जैसे आप भी दिखाते हो ना घर आके अपने दादा को, दादी को, है ना, दिखाते हैं ना, ऐसे ही राजा और राधा ने दिखाई। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? ऐसे ही राजा और राधा की तरह हैप्पी हैप्पी खुश रहो, है ना। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये छोटी सी कहानी जो मैम ने सुनाई है पसंद आई होगी। तो बच्चों अभ्यास कार्य में, जब कक्षा कार्य और अभ्यास कार्य आपको दोनों वर्क करनी है, और दोनों वर्क करने में ये जो आप शब्द लिखोगे ना, इनको लिखकर पढ़ना है, और ये छोटी सी कहानी भी सुननी है मम्मा से, और मम्मा को भी सुनानी है, ठीक है, और मुझे भी सुनाना जब आप मुझसे मिलोगे। ओके, धन्यवाद।